स्टेज क्लाउड थिएटर नागपुर का सबसे विपुल और प्रसिद्ध थिएटर समूह में से एक है, जो अपनी 20वीं वर्षगांठ भी मना रहा है और अब अपने अगले प्रोडक्शन के साथ एक हिंदी नाटक किस्मत के साथ तैयार है, जो दीवान शराल द्वारा 1930 में लिखित अंग्रेजी उपन्यास द गोंग ऑफ शिवा से रूपांतरित किया गया है। इस नाटक का सादरीकरण 26 मार्च को तिलक सभागार में कस्तूरबा भवन में हो रहा है। मेरा नाम सोनल त्रिवेदी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है ताकि हम लोगों को पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, उन्हें बता सके कि हमारा नाटक होने वाला है किस्मत, कस्तूरबा भवन में है, तिलक हॉल में, और इसके दो शोज होंगे 26 मार्च को 4 बजे और 7 बजे। मैं एक किरदार प्ले कर रही हूँ उसमें, काफी अच्छा किरदार है, तो सबसे निवेदन है कि वो जरूर आए देखने। वांकर मिश्रा है, मैं स्टेजक्राफ्ट थिएटर से जुड़ा हूँ। हम लोग करीबन 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, हम लोग नागपुर शहर में इंग्लिश हिंदी नाटक कर रहे हैं और हम इकलौते ऐसे थिएटर ग्रुप हैं जो नागपुर में ये काम करते हैं आज की तारीख में, इंग्लिश स्पेशली जो थिएटर करते हैं। अब हम लोग पहली बार एक हिंदी प्ले लेके आए हैं हमारी ऑडियंसिस के लिए। दीवान शरण जी का 1930 का एक नॉवेल, एक किताब थी गोंग ऑफ शिवा, इंग्लिश में उन्होंने उस जमाने में लिखी थी। उस कहानी को आज के जमाने में हिंदी में हम लोगों ने अडाप्ट किया है। नितिश चंद्रा एक राइटर है, उन्होंने उस पर अडाप्ट किया है और विकास खुराना जी हैं उस नाटक के डायरेक्टर, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया है। हम लोग तिलक ऑडिटोरियम है बजाज नगर में, कस्तूरबा भवन के अंदर, वहां पे हम लोग इस रविवार को 26 मार्च को दो शो करने वाले हैं, एक 4 बजे और एक 7 बजे। प्ले करीबन 80 मिनट का है, उसकी एंट्री फीस 300 रुपए है और 200 रुपए है दोनों शोज की। आप वहां पे आके भी टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन हमने पेटीएम इनसाइडर पे भी